सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने जनपद में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य अधिकारियों के साथ विकास भवन के सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया कि जनपद में वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए यह बैठक की गई है, क्योंकि जनपद में 9 विधानसभा है जहाँ पर 3 मार्च को मतदान होगा, जिसको देखते हुए वोटिंग को बढ़ाने के लिए जिला स्तरीय टीम बनाई गई है और जिलाधिकारी के द्वारा 70% का लक्ष्य दिया गया है और हम लोग 90% का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और जहां पर वोटिंग का परसेंटेज सबसे कम है वहां पर वोटिंग मशीन के साथ 9 मतदाता प्रचार वाहनों को रवाना किया जाएगा तथा 9 विधानसभा में जहां पर पिछले विधानसभा के चुनाव में कम वोट पड़े थे जिसके लिए गाड़ियां भेजी जा रही हैं, जिससे बीएलओ प्रधानों व शिक्षकों से मिलकर लोगों को जागरूक करें ताकि उस क्षेत्र में वोट संख्या में वृद्धि हो। इस अभियान में विभिन्न स्कूलों के 5 टॉपर छात्रों को आइकॉन बनाया गया है जो कि बीएलओ के साथ मिलकर क्षेत्र में जाकर मतदाताओं को जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए समूह की महिलाएं घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं कि मेरा वोट मेरा अधिकार है, जिससे महिलाओं में वोटिंग परसेंटेज बढ़े और निगरानी समितियाँ भी घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। वह लोग बता रहे हैं कि सभी लोग 3 मार्च को अपने घर से निकलकर मतदान करें और देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाएं। इसके लिए मतदाताओं के पर्चियों को वोटर के घर घर मतदान से पहले भेज दिया जाएगा और पंचायत सहायकों को इस पर निगरानी के लिए लगाया गया है और साथ ही वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए कोटेदारों की भी मदद ली जा रही है। उन्होंने कहा कि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए जिला अधिकारी के द्वारा प्रधानों के साथ बैठक की जाएगी तथा मतदाताओं की सुविधा के लिए बूथ पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी और 80 वर्ष से अधिक के मतदाताओं के लिए सुविधा मुहैया कराई जाएगी और सभी मतदान केंद्रों पर बिजली पानी शौचालय आने जाने की व्यवस्था किया जाएगा। इस अवसर पर डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा, आगे फर्स्ट पेज मीडिया को दीजिए। बोलिए। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, जब से आचार संहिता लागू हुई है तब से, लेकिन उसके बाद भी डिजिटल रूप से हम लोग सबको जागरूक कर रहे हैं। सुनो गोरखपुर के नाम से जो हमारा यूट्यूब चैनल चल रहा है और डिजिटल रूप में ट्विटर, उसके माध्यम से लगातार हम लोग आज के लिए मतदाता जागरूक कर रहे हैं। उसके लिए हमने 4 प्रभारी डिजिटल के लिए बना रखे हैं, जिसमें हमारी एक हमारी डॉक्टर प्रतियोगिता हो रही है, ये लगातार चल रहा है। सर ने हमको 2 दिन पहले ये संकल्प पर दिया था और वो संकल्प पर मैंने अपने जो हमारा ग्रुप है, एससी का हो, एससी का हो, हमारा गवर्नमेंट का हो, इंडेट का हो, संस्कृत का हो, सब में हमने डाल दिया है। और प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है कि बच्चे के पास पहुंचे, बच्चे का हर बच्चे का मोबाइल नंबर मेरे पास में है। 2 चीजों में, एक जो पोलिंग बूथ है उसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में है उसपे हर बूथ पे अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी, जिसमें शौचालय है, पानी है, बिजली है, इस पंचायत सरकार उनसे जो स्वीप का कार्य है उसके प्रभारी वो ब्रीफ करेगा। सर धन्यवाद। सर तो हम लोगों का जैसा ने बताया पहले में एसओएम में प्रत्येक स्कूल में कुछ पंचायत भवन में लगभग 95, इसके अलावा कुछ 7 सहकारी समिति में और कुछ संकुल विभाग में भी है। तो इसमें जो बेसिक सुविधाएं जो उपलब्ध करानी है वो है, पहला सर ने जैसा बताया शौचालय फंक्शनल और टॉयलेट, दूसरा इम्पोर्टेंट चीज है बिजली की व्यवस्था हो, विद्युत की व्यवस्था हो, उसका कनेक्शन उपलब्ध है विद्युत का, तीसरा इम्पोर्टेंट चीज है पानी। इस वक्त स्पेशल जो टीम जाएगी वोटिंग कराने के लिए या जो वोट करने के लिए भी आएंगे उनके लिए पानी का इंतजाम हो। चौथा है अप्रोच मार्ग, एक्सेस जो वहां तक बूथ तक पहुंचने के लिए मार्ग हो, ताकि गाड़ियां जो भी जिससे आएंगे उन पर्सनल से या कोई भी जो वोट देने के लिए जो आएंगे मतदाता उन्हें कोई दिक्कत ना हो पहुंच सके। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है वहाँ नेटवर्क फैसिलिटी अवेलेबल हो, ताकि मोबाइल से जो भी वेबकास्टिंग होगा या बाकी जो चीजें होंगी उसके लिए पता होगा आप लोगों को 50% बूथ में इस बार वेबकास्टिंग व्यवस्था है, तो उसके लिए प्रॉपर मोबाइल कनेक्शन नेटवर्क कनेक्टिविटी देखना इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा कोविड के मद्देनजर जो है
एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस वाले लेना कि हर बूथ पर एक कोविड हेल्प डेस्क हो। इस हेल्प डेस्क में वहां पर थर्मामीटर रखा जाएगा, साथ में जो आशा रहेंगी या एनएम और भी सफाई कर्मी जो भी जिसकी भी ड्यूटी वहां लगेगी पंचायत सर वो रख करके वो उनका टेम्परेचर नापेंगे, उनको असिस्ट करेंगे और साथ में वहाँ सैनिटाइजर भी रहेगा, हैंड सैनिटाइजर रहेगा ताकि कोई भी सैनिटाइज करके वहाँ ईवीएम मशीन का प्रयोग करें। इसके अलावा जो है थर्मल स्कैनर हर एक दो दो घंटे पे बूथ को सैनिटाइज कराया जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड की मदद से, ताकि बूथ में किसी भी तरह का कोई संक्रमित अगर व्यक्ति किसी भी वजह से आया है तो कोई संक्रमण का शिकार कोई और ना बने और संक्रमण से कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से मतदान केंद्र स्वस्थ मुक्त रहे। इसके अलावा रैंप सन्नी बताया जहाँ पर भी प्लेन है वहाँ पर रैंप की जरूरत नहीं है, पर जहाँ भी थोड़ा भी स्लोप है जो तो वहाँ पर रैंप की आवश्यकता है, तो वहाँ पर रैंप हम लोग बनवा रहे हैं। ज्यादातर जगह रैंप पंचायत चुनाव की मदद से बनाया भी गया है, पर जहाँ जहाँ कोई भी कमी है रैंप में या शौचालय में या बिल्डिंग में तो वो सब हम लोग काम करा रहे हैं। अभी करीब 900 जगहों पर स्कूलों में काम चल रहा है, इसके अलावा पंचायत भवन में लगभग 700 स्थानों पर पंचायत भवन में काम चल रहा है ये सारे। और इसके अलावा स्पेसिफिक अभी पिछले एक हफ्ता से हम लोगों ने लगभग 70 जगह पे उन 70 स्थलों पे काम स्टार्ट किया जहाँ पर मतदान केंद्र थे और कोई ना कोई कमी थी। बता सकते हैं कि मीडिया का स्वीप में सबसे इम्पोर्टेंट सहयोग रहता है, कहीं भी अगर स्वीप करते हैं वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए तो आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? वैसे तो आपके प्रश्न पर उत्तर तो दूंगा लेकिन आपके सुझाव भी जरूर। ये स्वीप के अंतर्गत जो वोटिंग परसेंटेज हमारे 9 विधानसभाओं में है गोरखपुर में, जो अभी 3 मार्च को इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें बढ़ाने के लिए एक जिला स्तरीय जो एक कार्य योजना बनाई गई है उसको शुरुआत की गई है। इसमें जहाँ जहाँ बूथों पे वोटिंग परसेंटेज 50% से कम है, जो हमने अभी चिन्हित किए हैं 450 के करीब है, हर विधानसभा में हम लोग एक यहाँ से वोटिंग मशीन के साथ गाड़ी और वोटर एजुकेशन के लिए वोटर गाइड्स के साथ भेजेंगे और जो आरओ को हैंडओवर कर दी जाएगी और एक रोस्टर बनाया गया है। इस रोस्टर के तहत वो गाड़ियों में वोटिंग मशीन उन महल्लों में जाएगी जहां पे वोटिंग परसेंटेज कम है और मतदाताओं को जागरूक करेगी, एजुकेट करेगी और उनसे प्रेरित करेगी कि वो वोट डालें, 3 मार्च को आएँ और वोट डालें। इसके साथ साथ जो अलग स्ट्रेटजीज हमारी है वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। और हमने डोर टू डोर कैंपेन चलाया ताकि महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़े, जिसमें समूह की महिलाएं घर घर दस्तक देके मेरा वोट मेरा अधिकार और वोटिंग के बारे में जागरूकता महिलाओं में फैला रही हैं ताकि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। निगरानी समितियां हर ग्राम पंचायत लेवल पे हैं, निगरानी समितियां भी डोर टू डोर कैंपेन में यही संदेश दे रहे हैं कि 3 मार्च को सबको बाहर निकलना है और वोट डालना है। इसके लिए हम लोग जो पर्चियों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंश्योर कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले पर्चियाँ हर जो जिसका वोटर एलिजिबल है उसके घर तक पहुँच जाए, वो भी एक बहुत स्ट्रिक्टली इसको फॉलोअप किया जाएगा। इसके साथ साथ पंचायत सहायकों को लगाया गया ड्यूटी जो इन सबका निगरानी करेंगे। कोटेदारों से मीटिंग की गई है कि उनको भी बताया गया है कि वोटिंग परसेंटेज जो है हमारा कम है और उसको बढ़ाने के लिए सिस्टमेटिक एजुकेशन के लिए उनकी मदद ली जा रही है। और प्रधानों का भी एक अभी कार्यशाला डीएम सर करेंगे अगले हफ्ते में, यूट्यूब सेशन करेंगे ताकि हम लोग जो ये वोटिंग परसेंटेज है गोरखपुर का बढ़ा सके स्वीप के अंदर। सर कितने का लक्ष्य रखा है इस बार, कितना प्रतिशत? इस बार जो लक्ष्य रखा है डीएम सर ने 70% रखा है, लेकिन जो हमारे चीफ सेक्रेटरी सर हैं उन्होंने इसको 90% कहा है कि सब लोग 90% का ट्राई करेंगे इस बार जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने। इसमें अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी के लिए हर पोलिंग बूथ पे जितना इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है उसके ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं काम। ग्रामीण क्षेत्रों में डीपीआरओ द्वारा जो हमारे डीपीआरओ गोरखपुर हैं हर का एक सर्वे कराया गया है, उससे पहले सेक्टर मजिस्ट्रेट जोनल मजिस्ट्रेट द्वारा जो सर्वे करने के बाद मतदान केंद्रों का जो कमियाँ बताई गई थी वो सारी पूर्ण करा ली गई है। कोविड में हर जगह हेल्प डेस्क बनेगा, वहाँ सैनिटाइजर रखे जाएंगे, आपके इंफ्रारेड थर्मामीटर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो जो भी निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश दिए गए हर पोलिंग बूथ पे उसका अरेंजमेंट कर दिया गया है जो आपको उस दिन रिफ्लेक्ट करेगा। उस दिन हमने जो हमारे बेस्ट 5 टीचर्स बीएसए ऑफिस से लिए गए हैं, डीआईएस ऑफिस से लिए गए हैं, जो बच्चे टॉप किए हैं अपने अपने बोर्ड एग्जाम में 10वीं या 12वीं में, उन बच्चों को हमने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है स्वीप का। वो लोग जो है हमारे लिए करेंगे कि आप वोटिंग परसेंटेज मोटिवेट करेंगे जाके, और सारे बच्चों को एक लेटर का फॉर्मेट यहाँ से बनाया गया जो आपसे मैंने शेयर भी किया है। बच्चे अपने विभागों को पत्र लिखवाएंगे विभागों से और हमें सबमिट करेंगे, अपने विभागों से शपथ लेंगे कि वो
वोट डाले, जो ये वोटिंग मशीन्स भी जाएंगी वहाँ पे भी सबको शपथ दिलाई जाएगी और कारण पता किए जाएंगे क्या कारण है जो लोग वोट नहीं डाल रहे, और उन कारणों का निस्तारण किया जाएगा तुरंत। मुख्य जिम्मेदारी है वो हर वोटिंग मशीन को लेके मोहल्लेवार जाके इसका प्रचार करेंगे और जो जो समस्याएं हैं इलेक्शन से लेके वो हमारे संज्ञान में भी लाएंगे, हम उसको हल करेंगे। बीएलओ, सचिव, लेखपाल, इन तीनों लोगों का रोस्टर बना के हर बूथ पे ड्यूटी लगाई गई है, इसके साथ वहाँ टीचर भी अवेलेबल रहेंगे।